हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। इंडियन ऑटो मार्केट में सस्ती कार से पहचान बनाने वाली कंपनी डैटसन नया धमाका करने को तैयार है। कंपनी की डैटसन गो क्रॉस नाम की सस्ती एसयूवी की पहली झलक इंडोनेशिया में दिखाई दी है। ऐसा माना जा रहा है कि ऑटो एक्सपो 2018 में कंपनी इसे भारत में भी लॉन्च कर सकती है। वहीं फरवरी से इसकी सेल शुरू हो सकती है। इस एसयूवी का मॉडल मारुति नेक्सा की बलेनो और टाटा की नेक्सन से काफी मिलता है। इसमें 1.2 लीटर का पावरफुल इंजन दिया है। इन कार से हो सकती है टक्कर। ऐसा माना जा रहा है कि डैटसन गो क्रॉस की भारत में कीमत करीब 4.5 लाख से शुरू हो सकती है। वहीं इसका टॉप मॉडल 6.8 लाख के करीब होगा। ऐसे में मारुति की सिलेरियो और महिंद्रा की KUV100 को ये टक्कर दे सकती है। सिलेरियो 5 लाख और KUV100 करीब 5.5 लाख से शुरू होती है। यानी गो क्रॉस भारत की सबसे सस्ती SUV भी कहलाएगी। पेट्रोल और डीजल वेरिएंट में आएगी। खबरों के मुताबिक डैटसन गो क्रॉस को पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट में लॉन्च किया जाएगा। पेट्रोल वेरिएंट का माइलेज 22 और डीजल का माइलेज 30 आसपास हो सकता है। इसमें 7 इंच की टच स्क्रीन वाला एडवांस स्टीरियो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ होगा। वहीं पावर विंडो और रियर पार्किंग सेंसर जैसे हाईटेक फीचर्स भी रहेंगे।